हेलो दोस्तों, मार्विस रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज के ऑब्जेक्टिव में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, तो चलिए जानते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को हम इंफ्रारेड लाइट और हीट रेडिएशन भी कह सकते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर है और फ्रीक्वेंसी 430 टेराहर्ज से लेकर 300 गीगाहर्ज है। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर है और फ्रीक्वेंसी 790 टेराहर्ज से लेकर 430 टेराहर्ज है। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ विजिबल लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा है और यही एक वजह है जिससे इंफ्रारेड लाइट इनविजिबल होती है, जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ कम है, इसीलिए ये विजिबल है, जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं। ह्यूमन सिर्फ अपने आँखों से 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट्स ही देख सकता है, यानी कि विजिबल लाइट। आप लोग ये शायद जानते भी होंगे कि लाइट्स वेव के फॉर्म में अर्थ पर आती है। कुछ वेव्स लॉन्ग होती है और कुछ शॉर्ट होती है। सभी वेव की साइज और लेंथ डिफरेंट होती है। कुछ वेव्स को हम अपने आँखों से देख सकते हैं कलर के फॉर्म में, जैसे कि रेनबो, और कुछ वेव्स को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम स्पेशल इंफ्रारेड कैमरास के हेल्प से उन वेव्स को भी देख सकते हैं। और हम इंफ्रारेड लाइट को भी इंफ्रारेड कैमरा से देख सकते हैं। हम इंफ्रारेड कैमरा से पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा। हमारे बॉडी में जो हीट निकलती है वो वेव के फॉर्म में निकलती है। इस हीट को भी हम इंफ्रारेड कैमरा से देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट में गर्म चीज़ें जैसे कि ह्यूमन बॉडी ब्राइट येलो, ऑरेंज और रेड कलर की दिखाई देती है, और ठंडी चीज़ें जैसे कि आइस क्यूब पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है। आइस क्यूब भी इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को दूर से पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंफ्रारेड लाइट को इमिट करता है, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ह्यूमन इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकता, लेकिन कुछ स्नेक्स जैसे पिट रैपर, रैटल स्नेक इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। इनकी आई और नोज के बीच में दो स्मॉल पिट्स होते हैं, जिससे ये इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ये पिट्स सेंसर की तरह काम करते हैं। हमारे आँखों के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन डेंजर है, क्योंकि इससे हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इंफ्रारेड कैमरास में जर्मेनियम एलिमेंट के ग्लास यूज होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ग्लास में इंफ्रारेड लाइट पास नहीं होते हैं, पर विजिबल लाइट में जर्मेनियम और नॉर्मल ग्लास दोनों में लाइट पास होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी,
फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप में इंफ्रारेड सेंसर होता है। इस टेलीस्कोप का यूज़ हम स्पेस में ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट्स को पता लगाने के लिए, सर्च करने के लिए और स्पेस में डस्ट वाले रीजन में देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नाइट विजन में भी इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यूज़ हम अंधेरे में देखने के लिए करते हैं जहाँ लाइट नहीं होती है। नाइट विजन से हम अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस में हम IR का यूज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग, साइंटिफिक, मिलिट्री, मेडिकल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडस्ट्रियल, वेदर फोरकास्टिंग, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। इन सारे प्लेसेस में हम IR का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स टू सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल फॉर अमेजिंग डिस्कवरी। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।